जनपद संभल के चंदौसी में आजमगढ़ के चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में दुखद घटना पर जीके सिल्वर स्टोन सीनियर सेकेंडरी स्कूल एम वर्ल्ड स्कूल व सिल्वर स्टोन पब्लिक स्कूल में संवेदना व्यक्त की गई। दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की गई कि छात्रा को अपने चरणों में स्थान दें व उसके अभिभावक को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। इस घटना को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने प्रधानाचार्य और शिक्षक को पुलिस हिरासत में लिया है, जो कि उचित नहीं है। बिना संपूर्ण जांच किए पुलिस प्रशासन के द्वारा ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। इस पूरी घटना की अच्छे से निष्पक्ष जांच हो और उसके पश्चात ही कोई कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। प्रधानाचार्य व अध्यापकों के समर्थन में व सम्मान के लिए विद्यालयों में एक दिन बंद रखने का निर्णय लिया है और एक टीचर को अरेस्ट कर लिया गया। ये विरोध सिर्फ इसलिए है कि अगर कोई कमी स्कूल की है या प्रिंसिपल की है तो पहले इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसके बाद कोई भी वारंट अरेस्ट वाला होना चाहिए। और क्या मानना है? प्रदर्शन ये है कि हम अपना शोक के साथ साथ विरोध भी जता रहे हैं। मांग सिर्फ ये है कि अगर स्कूल की गलती है या स्कूल के स्टाफ की गलती है तो पहले इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसके बावजूद ही कोई भी एक्शन रहना चाहिए। मामला तो आजमगढ़ का है, मगर आप जनपद संभल में एक तरह से स्ट्राइक किया। एज ए एजुकेशनिस्ट हम लोग सब एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। ये एसोसिएशन मेरठ में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल के साथ जुड़ी हुई है, जिसमें हमारी संभल डिस्ट्रिक्ट की एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑन इंडिपेंडेंट। हम लोग सब ऑल ओवर यूपी, चाहे वो लखनऊ हो, मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, सहारनपुर हो, बरेली, मुरादाबाद, संभल, सभी लोग साथ में हैं। तो एज ए कॉल्ड ऑफ सभी लोगों ने डिसाइड किया कि एक दिन का विरोध हम इसमें रखते हैं। अगर प्रिंसिपल और टीचर के साथ जस्टिस नहीं हुआ तो इसके आगे कोई ना कोई कार्रवाई और भी रहेगी। आज काली प्रतिबंध का विरोध किया है, क्या हुआ? जी देखिए, आजमगढ़ में जो चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल में जो घटना हुई थी, जहाँ पर एक 11th क्लास की बच्ची ने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी थी, उसके बाद वहाँ पर जो भी घटनाक्रम हुआ और उस पूरे घटनाक्रम के बाद बिना किसी ठोस सबूतों के या बिना किसी जांच के जो स्कूल की प्रिंसिपल हैं और जो क्लास टीचर हैं उनको जो गिरफ्तार कर लिया, उनके विरोध में और शांतिपूर्ण विरोध में हमारे जितने भी जो संभल की हमारी जो एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल है और उत्तर प्रदेश की जो कॉन्फेडरेशन इंडिपेंडेंट स्कूल है, उनके आह्वान पर सारे स्कूल बंद हैं और हम अपना विरोध सिर्फ इसी लिए कर रहे हैं कि जांच जो हो वो पूरी तरह से निष्पक्ष हो और बिना किसी दोष के किसी को सज़ा ना मिले, और अगर किसी का दोष है वाकई तो उनको सज़ा मिले, लेकिन जो आनन फानन में गिरफ्तारी हुई है बिना किसी ठोस सबूत के या बिना किसी जाँच के, वो अनुचित है। देखिए, अभी तक जो निर्देश मिले हैं उसके अनुसार तो आज 8 अगस्त के लिए ही है केवल, ये स्कूल बंद हैं और आगे जैसे आदेश होंगे उनका पालन किया जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ आज 8 अगस्त को जो भी पूरे हमारा स्टाफ है उन सभी ने अपने हाथ पर, अपने बाजू पर काली पट्टी बांधकर अपना प्रदर्शन किया है और शांतिपूर्ण तरह से अपना काम कर रहे हैं।